नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सो आज की इस वीडियो में अपन DU MSC मैथ्स इंट्रेंस 2017 के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर देखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप देखेंगे कि अपन ने 2018, 2019 और 2020 का पेपर सॉल्यूशन कर लिया है OD का। अगर आपको लग रहा हो कि OD सिंपल है, तो बिल्कुल सिंपल, अगर आपको बस मिस्टेक्स नहीं करनी है इसमें, तो आप देखना कि 2018, 19 और 20 के पेपर में कुछ क्वेश्चंस की सिमिलरिटी है, तो वो सिमिलरिटी आपको 2017 के पेपर में भी दिख जाएगी। तो इसका मतलब आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन है तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आपको देखने से आइडिया लग गया होगा, जैसे स्ट्रम लिवेली वाला क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जा रहा है, स्ट्रम लिवेली का एक जनरल सॉल्यूशन से पूछा जा रहा है कि सेपरेबल से कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। और जनरल सॉल्यूशन का सिंपल सा क्वेश्चन एक ना एक, तो जिसमें अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF और प्लस PI निकालते हैं पर्टिकुलर, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से कौन सा पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे सिंपल क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। इस वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन है वो स्ट्रम लिवेली पे बेस्ड है, 2-3 क्वेश्चन है वो जनरल सॉल्यूशन पे बेस्ड है, एक क्वेश्चन है वो कि सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा, यानी कि कैसे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और अगर आप किसी भी प्रकार की प्रीवियस ईयर पेपर की PDF और कोई डाउट के लिए टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका डिस्कशन ग्रुप भी है, उसके लिए आपको @exponentialmathematics2531 सर्च करना पड़ेगा। तो अपन इस वीडियो के सारे क्वेश्चन देखेंगे। कुछ लोगों ने बोला था कि सर पीछे का जो बैकग्राउंड है व्हाइट रखा जाए, तो इस बार व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अपन आए। तो जो पहला क्वेश्चन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x/dx = 2y एंड ya, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y यानी कि x इक्वल टू a पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, b आ रही है। ये अपन को क्या देखिए, इनिशियल पॉइंट दे रखा, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी एक पॉइंट पे। अगर ये 2 पॉइंट पे देता तो अपन इसको बाउंड्री वैल्यू पर, बाउंड्री पे वैल्यू दी होती है। पूछा हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस थ्रो 0, b ≠ 0, यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल a एंड b, नो सॉल्यूशन इफ a = b = 0 और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन इफ a = b = 0। तो अपन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन या जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को देखना है, इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि इसको अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अप्लाई करें, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy/y = 2dx/x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा इधर ln y = 2ln x, प्लस अपन लिख सकते हैं कि ln c। अब x को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ln y = क्या बन गया, ln x² + ln c, और ये क्या बन जाएगा, ln c(x)² क्या बन गया। यहाँ से इधर क्या आ रहा है, ln y आ रहा है, यानी इतनी सिंपल इसके आ गया y = cx², इसका सॉल्यूशन अपने पास क्या आ गया, y = cx² आ गया। अब y a पे क्या दे रखा अपने को, b दे रखा, यानी कि x = a पुट करने पे b आ रहा है, पर इसका यूज नहीं है किसी भी ऑप्शन में। पहला ऑप्शन बोला कि हैज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन इफ थ्रू 0, b इफ b नॉट इक्वल, यानी कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, b आएगी, यानी कि b = क्या आएगा, c (x) की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। और साथ में बोला कि b ≠ 0, तो ये c(0) क्या बनेगा, इक्वल ये वाला पार्ट तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 बन गया। पर इधर क्या है, b है, और b बोल रहा है ≠ 0, यानी कि b एक नॉन जीरो राशि है, वो 0 के इक्वल कैसे हो सकती है, यानी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन नहीं, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो गलत हो गया, क्योंकि भाई अपन को बोल रहा है कि b ≠ 0, और अपन कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं कि b = c(0) = 0, जबकि b बोल रहा है नॉन जीरो, तो एक नॉन जीरो नंबर 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, ये वाला करेक्ट नहीं हो सकता। अब बोलता है कि यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल ए एंड बी, हर ए और बी के लिए यूनिक सॉल्यूशन, अपन यहाँ से बता पा रहे हैं कि पहले ऑप्शन में सॉल्यूशन ही नहीं है फॉर ऑल ए बी में, तो ये वाला केस भी शामिल होता है, यानी कि अगर आप a = 0 पुट कर लो और बी नॉन जीरो ले लोगे, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन केस में तो कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा बी केस, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। बोलता है नो सॉल्यूशन इफ a = 2 and b = 0, अगर दोनों 0 ले लेंगे तो क्या होगा, एक बोलता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन इफ a = 2 and b = 0। तो आप देखो अपने पास क्या रखा है, अपने पास आ रखा है y = c (x)² और केस बोल रहे हैं कि a = b 0 है और b = b 0, और कंडीशन क्या है, y (a) = b, यानी कि x = a पुट करने y की वैल्यू क्या है, b। तो जब अब दोनों 0 0 दे रखे हैं, इसका मतलब x = 0 पुट करने y की वैल्यू भी 0, यानी कि 0 = c (0), तो इस केस में क्या हो रहा है, c इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो गया, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट यानी कि इंडिपेंडेंट है, c की वैल्यू आप कुछ भी ले लो इस केस में, यहाँ पे 0 = 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हर केस में वैल्यू क्या हो रही है इसकी, सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या, y = क्या आ गया, cx² हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि c के पास कितनी चॉइस है, इनफाइनाइट चॉइस है, c हैज इनफाइनाइट चॉइस, ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि c हैज इनफाइनाइट चॉइस, और c की हर वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 0 = c (0) हो जाएगा, c आर्बिट्री कॉन्स्टेंट डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई कि c की वैल्यू कुछ भी, क्योंकि a = क्या है, c की वैल्यू यहाँ से 0 = c (0) आ रहा है, तो c की वैल्यू पे क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया c से,
सी की वैल्यू आप कुछ भी लो, हर केस में इनिशियल कंडीशन है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इनिशियल कंडीशन हर केस में सेटिस्फाई होगी तो ए को टू बी को टू जीरो क्या आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बोला नो सॉल्यूशन, ये तो गलत हो जाएगा। तो द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू वाई, वाई ए इक्वल टू बी, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगी। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अब अगर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल टू कॉस टू एक्स इज गिवन बाय। ये तो आपको पता लग गया ना कि ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अपन क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं और पी आई निकालते हैं, तब अपने पास क्या आता है, वाई आता है। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो सी एफ निकालने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यानी कि एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस का टू आइटा आएगी। और इस केस में अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं, वाई एक्स इक्वल टू अपन कॉम्प्लीमेंट्री वाला लिखते हैं, सी वन कोस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स। अपन इसको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना, तो वो क्या बनेगा, इसको अपन लिख सकते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर, और इधर क्या आ जाएगा, कोस टू एक्स। और अपन जानते हैं कि वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स वाले की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स अपॉन टू ए साइन ए एक्स हो जाता है, क्योंकि अपन डी स्क्वायर की जगह पुट क्या करते हैं, माइनस का ए स्क्वायर पुट करते हैं। जैसे आप डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर पुट करोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, टू है, और माइनस का ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का फोर। तो ये क्या, माइनस का फोर प्लस फोर जीरो बना देगा। तो इस केस में ऐसा अपन नहीं करेंगे, तो अपन इस केस में इसका यूज करेंगे कि वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन टू ए साइन ए एक्स। तो जैसे अपन एक्स अपॉन टू ए करेंगे तो विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, टू ए, यानी कि टू इंटू टू और साइन टू एक्स। तो यानी कि क्या देगा इसका आंसर, एक्स अपॉन फोर साइन टू एक्स। तो ये इसका क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आ गया। इसका अपन ने क्या निकाल दिया, पी आई निकाल दिया। और सी ए प्लस पी आई करेंगे तो सी वन कोस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स प्लस एक्स अपॉन फोर साइन टू एक्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सी वन कोस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स एक्स अपॉन फोर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखना था कि बस सी आई तो सब में, सी एफ तो सब में सेम दे रखा ऑप्शन में, बस आपको क्या निकालना था, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना था, पी आई निकालना था। और पी आई के लिए अपन जानते हैं कि वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन टू ए साइन ए एक्स। और अगर यही पूछता वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स होता तो क्या जाता, माइनस का एक्स अपॉन टू ए कोस एक्स हो जाता। तो ये तो आपको बड़ा सिंपल सा बीएससी में अपन सब लोगों ने पढ़ाया, तो आपको ये तो ध्यान हो गई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन अपन देख लिए, बड़े सिंपल सिंपल थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम दे रखा, अपन दो क्वेश्चन दे रखे, एक्स डेस इक्वल टू थ्री एक्स माइनस का टू वाई, एक्स जीरो पे वन है, वाई डेस इक्वल टू माइनस का थ्री एक्स प्लस फोर वाई, वाई जीरो पे माइनस का टू है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एक्स, यानी कि एक्स टी के लिए आपको क्या बतानी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे देखा कि एक्स डबल डेज माइनस का सेवन एक्स डेज प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो, यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे एक्स डबल डेज माइनस एक्स डेज प्लस सिक्स एक्स टू जीरो। और जो इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशन है इसको, क्योंकि आपको क्या करना है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आपको चेंज करना है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ सेकंड ऑर्डर, एक्स जीरो पे वन है, एक्स डेस जीरो पे गड़बड़ है, एक्स जीरो पे वन है, एक्स डेस जीरो पे जीरो है, एक्स जीरो पे वन है, एक्स डेस जीरो पे सेवन है, एक्स जीरो पे वन है, एक्स डेस जीरो पे माइनस का टू है। कहने का मतलब कि एक्स जीरो पे वन तो अपन को दे रखा है सेम है, अब अपन को क्या निकालना है, एक्स डेस जीरो निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करो, अपने को क्या दे रखा है, एक्स डेस इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस का टू वाई दे रखा है। यानी कि आप निकालो एक्स डेस जीरो क्या बन जाएगा, एक्स डेस जीरो बन जाएगा थ्री इंटू एक्स जीरो माइनस का टू इंटू वाई जीरो। अब देखो एक्स जीरो पे कितना है, वन है, तो थ्री इंटू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, माइनस का टू इंटू वाई जीरो पे कितना दे रखा है अपने को, माइनस का टू, यानी कि माइनस का टू। तो ये क्या बन जाएगा, थ्री माइनस माइनस का टू, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस का फोर। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स डेस जीरो इक्वल टू क्या आ गया, सेवन आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डेस जीरो पे कितना आएगा, सेवन आएगा। तो बाकी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से पता लग गया कि एक्स जीरो पे वैल्यू तो कितनी देगा, वन देगा, और एक्स डेस जीरो पे कितनी देगा, सेवन देगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जीरो पे वन है और एक्स डेस जीरो पे सेवन है, तो सी ऑप्शन है। तो यहाँ से आप बिना देखे बता सकते हो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और अपन ये भी देख रहे हैं कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, देखो एक्स डेस इक्वल टू क्या दे रखा है, थ्री एक्स माइनस का टू वाई। अपन को सोल्व किसके लिए करना है, सिर्फ एक्स डेस के लिए सोल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, सीधा सिंपल सा ये कि अगर आपको एक्स डबल डेस के लिए सोल्व करना है तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकालोगे तो इसको क्या आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस का एक्स डेस अपॉन टू आ गया, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, वाई आ गई। और यहाँ से अगर आप वाई डेस निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा, थ्री एक्स डेस माइनस एक्स डबल डेस अपॉन टू आ गया। तो ये वाई डेस और वाई ये दोनों अपन कहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देखा जाए ऐसा ना करें तो आप क्या कर सकते हैं कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, तो ये वाई डेस की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डबल डेस माइनस का सेवन एक्स एस प्लस सिक्स, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे आएगा इसको आप एक बार निकाल के चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे हो रहा कि नहीं समझ में आ रहा कैसे निकला कैसे आया, तो आप वो निकालेंगे तो अभी इजीली आपको सिर्फ एक्स डेस में सोल्व करना है, यानी कि यहाँ से वाई को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से वाई को एलिमिनेट
करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, वाई को गायब करना पड़ेगा। तो एक्स डेस माइनस का 3x माइनस का 2y है, ठीक है, इक्वल टू सॉल्व किया तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, एक्स डेस 3x माइनस का एक्स डेस अपॉन 2 आ गया। अब वाई डेस निकालोगे तो वो यहाँ पे पुट कर दो और वाई यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास एक्स डबल डेस में आ जाएगा। जैसे मैं आपको निकाल के बता ही देता हूँ, यहाँ से वाई की वैल्यू अपने पास क्या आई, वाई की वैल्यू अपने पास आएगी 3x माइनस एक्स डेस अपॉन 2 आ गई। वाई डेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x डेस माइनस एक्स डबल डेस अपॉन 2 आ गई। और अपने पास क्या है, वाई डेस इक्वल्स टू दे रखा है माइनस का 3x प्लस 4y, माइनस का 3x प्लस 4y। तो वाई डेस की वैल्यू पुट कर दो, 3x डेस माइनस एक्स डबल डेस अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 4y की जगह क्या पुट कर देंगे, 3x माइनस का एक्स डेस अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x डेस माइनस का एक्स डबल डेस इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 6x प्लस 8, चलो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का 6x आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 12x माइनस का 4x डेस। अब क्या बन जाएगा ये, इसको इधर ले आओ तो x डबल डेस और ये 3x डेस है और ये माइनस का, तो माइनस का क्या बन जाएगा 7x डेस और ये क्या बन जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 12 तो क्या बन जाएगा प्लस का 6x आ गया ना। x डबल डेस माइनस का 7x डेस प्लस 6x आ गया, तो x डबल डेस माइनस का 7x डेस प्लस 6x इक्वल टू 0 आ गया एक तो, और अपने पास कंडीशन क्या, x 0 इक्वल टू 1 है और x डेस 0 पे कितना है 7 है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कैसे अपन इसको निकाला, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको पढ़ ले पड़ गया होगा कैसे इसका सी ऑप्शन आया, ये भी बड़ा सिंपल था, इसमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये वाले कंडीशन चेक कर लेते तब भी आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थे, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि मैंने आपको ऐसे बताया था लास्ट वीडियो में, अपन देखा था कि स्टर्म लिउविली प्रॉब्लम होती है, इसके लिए मैंने एक नेट का वीडियो भी बना रखा है, उसकी लिंक भी मैंने लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली थी, तो इस बार फिर से डाल दूंगा तो आप वो भी देखें। अब इसमें अपन को क्या करना है कि इस प्रकार की क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, स्टर्म लिउविली प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे जो ये कंडीशन होती है ये तीन चार प्रकार की होती है, तीन चार प्रकार की बोलने का मतलब क्या, कुछ होती है डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन, मिक्स बाउंड्री कंडीशन और पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन। पर यहाँ पे तो देख रखे मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ y के अंदर ही होती है, y a इक्वल टू या y b इक्वल टू, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिरिचलेट टाइप की बोलते हैं। अगर सिर्फ डेरिवेटिव में होती है तो उसको अपन न्यूमैन टाइप की बोल देते हैं, दोनों में मिक्स होती है तो उसको अपन मिक्सड बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे y डेस में भी है y में, तो किस प्रकार की बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पे मिक्सड बाउंड्री कंडीशन है, एक बात ये देखी थी अपन ने। और एक अपन ने और बोलता है कि पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, वहाँ पे y और y डेस दोनों में सेम कंडीशन पे होती है। ये आप नेट वाला वीडियो है जिसका मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से देख सकते हैं। अब अपन को क्या करना होता है कि इस प्रकार की सॉल्यूशन में अपन को वो सारा लैम्डा चाहिए होता है जिसके लिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास क्या होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। लैम्डा की वो वैल्यू बतानी है कि इस इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाए और साथ में ये जो बाउंड्री कंडीशन अपन को दे रखी है क्या करें, इनको सेटिस्फाई करें, तो ये अपन को बताना है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको चेक करना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्या करते हैं। तो सबसे पहले अपन तीन केस लेके चलेंगे, वही सेम केस चलेंगे, अपन लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, लैम्डा लेस देन जीरो लेके चलेंगे, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे। तो जैसे अपन लैम्डा केस फर्स्ट में क्या लेते हैं, केस फर्स्ट अपन चूज कर लेते हैं लैम्डा इक्वल टू जीरो, जैसे लैम्डा इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस बी टाइप की। अब अपन बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई जीरो पे जीरो है, वाई जीरो पे जीरो पुट करोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि जीरो पे जीरो पुट तो जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस बी, तो बी जीरो आ गया, तो यानी कि वाई इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ ए एक्स बचा। अब अपन निकाला वाई पाई माइनस का वाई डेस पाई इक्वल टू जीरो, और वाई पाई निकालेंगे तो कितना आएगा, ए पाई माइनस वाई डेस पाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ए आएगा इक्वल टू जीरो, तो ए इंटू पाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है पाई माइनस वन तो जीरो होता नहीं है, तो ए जीरो, तो यहाँ से क्या मिल गया, ए भी जीरो मिल गया। पहले अपन को क्या मिला था, बी जीरो मिल गया, अब यहाँ से अपन को क्या मिल गया, ए जीरो मिल गया। ए जीरो कैसे मिला, क्योंकि ए इंटू पाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, अपन को पता है पाई ने माइनस वन तो जीरो नहीं होता, ए जीरो होगा, तब ए भी जीरो है बी भी जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि वाई इक्वल टू क्या आया था, ए एक्स प्लस बी आ गया था, जिसमें ए और बी दोनों जीरो हो गए। इसका मतलब क्या, कैसा सॉल्यूशन मिल गया आपको, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया, जबकि अपन को कैसा चाहिए, नॉन ट्रिवियल चाहिए। इसका मतलब अपने केस फर्स्ट में लैम्डा इक्वल टू जीरो लिया था वो केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। अपन ने केस फर्स्ट में लैम्डा इक्वल टू जीरो लिया था, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू जीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है, सी वाला, कि ये जीरो पॉसिबल नहीं है लैम्डा की वैल्यू। तो करेक्टरिस्टिक वैल्यू नहीं, इसको अपन लैम्डा करेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते, लैम्डा की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो केस फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं हुआ, अपन केस सेकंड से के चलते हैं, लैम्डा लेस देन इक्वल टू जीरो, तो मैंने ले लिया केस सेकंड, ले लिया अपन ने लैम्डा लेस देन जीरो वाला। अब जब लैम्डा लेस देन जीरो लेंगे तो अपन मान लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू सपोज दैट माइनस का अल्फा स्क्वायर है, अपनी इक्वेशन दे रखी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस
लेमडा वाई इक्वल टू जीरो, जब लेमडा के लिए माइनस एल्फा स्क्वायर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या बनेगी एम स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस एल्फा देगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या वाई क्योंकि तो होमोजीनियस है तो इसका यही सोल्यूशन हो जाएगा, वो क्या आएगा सी वन ई की पावर एल्फा एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। अब अपन को क्या यूज करना है वाई जीरो पे क्या दे रखा है जीरो दे रखा है, इसका मतलब क्या जाएगा सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन एक तो आ गई सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दूसरे अपन दे रखिए वाई पाई माइनस वाई डैश पाई इक्वल टू जीरो। अब वाई डैश निकालो पहले तो वाई डैश क्या देगा एल्फा सी वन ई की पावर एल्फा एक्स प्लस माइनस का देगा सी टू एल्फा ई की पावर माइनस का एल्फा एक्स। अब वाई पाई माइनस वाई डैश पाई जीरो करेंगे तो वाई पाई पुट करेंगे तो क्या आएगा सी वन ई की पावर एल्फा पाई प्लस सी टू ई की पावर माइनस एल्फा पाई। फिर आगे वाले से क्या आएगा फिर आगे वाले से आएगा माइनस का साइन आ जाएगा एल्फा वन सी वन ई की पावर एल्फा पाई और माइनस का सी टू ई की पावर माइनस का एल्फा पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी वन प्लस सी टू बराबर तो सी वन की माइनस का सी टू पुट कर सकते हैं, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो सी वन इंटू क्या बन जाएगा वन माइनस का एल्फा ई की पावर एल्फा पाई प्लस सी टू इंटू बन जाएगा ये सी टू के साथ मिलेंगे तो वन माइनस का एल्फा और ई की पावर माइनस का एल्फा पाई। यहाँ पे भी क्या है एल्फा साथ में आएगा डेरिवेटिव चल रहा है तो अब सी टू माइनस का सी वन पुट कर दो तो सी वन को बाहर ले लेंगे तो सी वन बाहर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये वन माइनस एल्फा कॉमन ले लो वन माइनस एल्फा कॉमन आ गया और ये भी क्या बन जाएगा वन माइनस इधर तो बनेगा ई की पावर एल्फा पाई और इधर बन जाएगा ई की पावर माइनस एल्फा पाई इक्वल टू क्या जाएगा जीरो। तो सी वन वन माइनस एल्फा और ई की पावर टू एल्फा पाई माइनस का वन इक्वल टू जीरो। अब ये वाला टर्म भी नॉट जीरो है और वन माइनस एल्फा भी जीरो नहीं होगा क्योंकि अपन एल्फा कैसा लेके चल रहे हैं कि जो लेमडा इक्वल टू एल्फा इसको लेके चल रहे हैं और एल्फा कैसा है अपना ये जो लेमडा वो लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो है तो यहाँ से ये वाली टर्म पॉजिटिव बनेगी तो ये वाली टर्म भी जीरो नहीं बनेगी। जब ये वाली टर्म जीरो नहीं बनेगी तो साथ में सी वन मल्टीप्लाई में तो सी वन जीरो आएगा और जैसे सी वन जीरो आएगा तो सी वन जीरो होते सी टू भी जीरो बन जाएगा। तो इस केस में भी क्या आ गया सी वन और सी टू दोनों जीरो आ जाएंगे और जब सी वन और सी टू दोनों जीरो आ जाएंगे तो यहाँ से अपने पास वाई एक्स इक्वल टू सी वन ई की पावर एल्फा एक्स प्लस सी टू की पावर माइनस एल्फा एक्स ये वाली टर्म भी कैसी हो जाएगी जीरो आ जाएगी तो वाई एक्स भी जीरो आ गया। और जैसे वाई एक्स जीरो आ गया अपने पास क्या मिल गया ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। जबकि अपन क्या ढूंढ रहे हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो अपन ने क्या करा था कि अपन तीन केस लेके चलते हैं एक तो लेमडा इक्वल टू जीरो लेमडा ग्रेटर देन जीरो लेमडा लेस देन जीरो। तो अपने लेमडा इक्वल टू जीरो देख लिया लेमडा लेस देन जीरो लिया इस केस में अपने पास क्या मिला सी वन ई की पावर एल्फा एक्स प्लस सी टू की पावर माइनस एल्फा एक्स। यहाँ से अपने वाई जीरो पर देखा सी वन प्लस सी टू जीरो आया वाई पाई माइनस वाई डैश पाई निकाला पहले अपने डेरिवेटिव निकाला इन दोनों को सोल्व करा तो ये इक्वेशन बनी। यहाँ से अपने पास ये वाला पार्ट बन जाएगा और इस पार्ट में अपने को सी वन जीरो मिल रहा है और सी वन जैसे जीरो मिल जाएगा तो सी टू भी जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पास क्या मिल रहा है ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है जबकि अपनों को कैसा चाहिए नॉन ट्रिवियल चाहिए। तो अपने एक केस और बच गया उसको अपन चेक कर लेते हैं वो केस कौन सा बच गया वो देखें आपके कौन सा केस बच गया वो केस ये बच गया केस थर्ड अपना क्या है लेट लेमडा ग्रेटर देन जीरो। तो अपन मान लेते हैं लेमडा इक्वल टू क्या है एल्फा स्क्वायर है इस केस में क्वेश्चन क्या बन जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेंगे तो क्या बनेगा एम स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो और दिस इंप्लाइज एम की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का आइटा एल्फा। तो यहाँ से वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी सी वन कोस एल्फा एक्स प्लस सी टू साइन एल्फा एक्स। ठीक है अपन यूज करते हैं वाई जीरो पे जीरो इसका मतलब क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू सी वन कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है वन प्लस सी टू साइन जीरो ये तो जीरो तो प्लस सी टू इंटू जीरो इसका मतलब क्या आ जाएगा ये तो जीरो बन जाएगा तो यानी कि सी वन की वैल्यू क्या आएगी जीरो आ गई। तो जैसे सी वन जीरो आया अपना वाई एक्स क्या बन गया वाई एक्स बन गया अपना सी वन सॉरी सी टू साइन एल्फा एक्स। ठीक है और वाई डैश एक्स निकालेंगे तो वो कितना आएगा वाई डैश एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा सी टू साइन की जगह क्या बन जाएगा कोस एल्फा एक्स और एल्फा इंटू में आ जाएगा यानी कि वाई डैश एक्स कितना आ गया अपना वाई डैश एक्स आ गया एल्फा सी टू कोस एल्फा एक्स ये क्या आ गया वाई डैश एक्स आ गया। अपने पास एक कंडीशन और दे रखी है वो कंडीशन क्या वाई पाई माइनस वाई डैश पाई इक्वल टू जीरो। तो वाई पाई निकालो यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो क्या जाएगा सी टू साइन एल्फा पाई माइनस वाई डैश पाई यहाँ पे निकालेंगे तो क्या जाएगा एल्फा सी टू कोस एल्फा पाई इक्वल टू क्या जाएगा जीरो। दोनों तरफ कोस एल्फा पाई से भाग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा सी टू टेन एल्फा पाई माइनस का एल्फा सी टू इक्वल टू क्या जाएगा जीरो आ जाएगा सी टू कॉमन ले लेंगे तो टेन एल्फा पाई माइनस एल्फा इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन आ गई। अब देखो इस इक्वेशन को आप स्टार बोल दो जो भी बोल दो
अब अगर मान लो सपोज दैट सी टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये वाला टर्म जीरो होगी। अगर सी टू जीरो हो जाएगा, जैसे सी टू जीरो हो जाएगा, सी वन जीरो ऑलरेडी आ चुका है, सी टू जीरो, तो अपने के पास क्या मिल जाएगा, ट्रिवल सॉल्यूशन। पर आपने कैसा चाहिए नॉन ट्रिवल, तो अपने पास एक पॉसिबिलिटी और है यहाँ पे, अगर सी टू नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या जीरो देगा, टेन अल्फा पाई माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी कि टेन अल्फा पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा जाएगा। और अपन ने लैम्डा इक्वल टू क्या मान रखा है, अल्फा स्क्वायर मान रखा है, सॉरी हाँ लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मान रखा है, और लैम्डा कैसा अपना ग्रेटर देन जीरो ले रखे चल रहे। तो यहाँ से क्या मिल गया अपने को, लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अपने को ऑप्शन पे चलते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम आर। अब देखो अपने पास क्या आया था, अब बोलता है पहला ऑप्शन लैम्डा इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर और एन इक्वल टू वन टू थ्री आर द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा इक्वल टू कोट पाई अल्फा। अब देखो लैम्डा इक्वल टू क्या था, अल्फा स्क्वायर था। आप इसको आप ऐसे भी पूछ कर सकते हो कि लैम्डा एन इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर, बिकॉज की जो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब लैम्डा इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर आया ना, तो आप अल्फा की जगह पुट कर सकते हो, वन पुट कर सकते हो, टू पुट कर सकते हो, थ्री पुट कर सकते हो, तो ये क्या देगा, लैम्डा इक्वल टू वन स्क्वायर फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, ये सब चलता देगा, पॉजिटिव आएगा लैम्डा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो अब ये एन को डिनोट करने के लिए अपने लैम्डा एन बोल देते हैं, और इसको अपन अल्फा एन इसको डिनोट कर सकते, ताकि आपको पता लगता रहे कि एन इक्वल टू वन, जैसे अल्फा वन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं, अल्फा टू बोलने का मतलब अल्फा की वैल्यू टू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने को पता लगेगा कि लैम्डा एन इक्वल टू वैल्यू आएगी अल्फा एन स्क्वायर। और जहाँ पे ये अल्फा एन किस इक्वेशन का रूट है, ये इक्वेशन का रूट है टेन अल्फा एन पाई इक्वल टू अल्फा एन, इस इक्वेशन का रूट है। और इस केस में अपन को क्या मिला, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, बाकी है किसी भी केस में अपन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिला था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलता है कि लैम्डा इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर अल्फा एन इक्वल टू वन टू थ्री आर द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा इक्वल टू कोट अल्फा पाई, नहीं इसका नहीं है, लैम्डा इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर और अल्फा एन एन इक्वल टू वन टू थ्री रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा पाई, बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इसके रॉन्ग हो जाए। नेगेटिव वाले में मेरा अपने कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले में अपन देख लिया था कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलते हैं, जबकि अपने को कैसा चाहिए, नॉन ट्रिवियल चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो यहाँ सारे आपको क्या करना है, आप सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते जाएं, ताकि आपको आइडिया ऐसा लग जाए कि ऐसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना है, आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि द डिटरमाइन एन इंटरवल इन विच द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सर्टेन टू, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। तो ये कैसी क्वेश्चन है, आपको दिख रही है कि फर्स्ट ऑर्डर ये और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री भी फर्स्ट इसकी, इस प्रकार की क्वेश्चन अगर दे रखी हो आपको, देखो सपोज दैट कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स टाइप की इक्वेशन हो, और साथ में आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी हो किस प्रकार से कि वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो, यानी कि एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई जीरो। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर कंटिन्यूस, जिस उस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा जिसमें पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे, कंटिन्यूस हो, जिस भी इंटरवल में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसमें पी एक्स और क्यू दोनों कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे। साथ में इंटरवल कंटेन एक्स जीरो, अगर सपोज दैट ए कोमा बी में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक्स जीरो है जो इनिशियल पॉइंट है अपना, वो उस इंटरवल में लाई करेगा, भले ही ओपन हो कैसा भी हो, उस इंटरवल में एक्स जीरो क्या करेगा, एक्स जीरो बिलोंग टू दैट इंटरवल, उस इंटरवल में एक्स जीरो जरूर होगा। तो तीन बातें होगी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स टाइप का हो तो उसमें पी एक्स और क्यू एक्स दोनों कंटिन्यूस होंगे, और ये जो पॉइंट एक्स जीरो उस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, दे रखा है कि वाई डेस प्लस टेन टी वाई इक्वल टू साइन टी, यानी कि यहाँ पे एक्स की तरह का टी दे दिया तो पी टी की वैल्यू कितनी होगी अपनी, टेन टी होगी, क्यू टी की वैल्यू कितनी होगी, साइन टी होगी। तो सबसे पहली बात तो अपन चेक करेंगे कि टेन टी और साइन टी कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, और ये पॉइंट है उस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जितने भी इंटरवल दे रखे हैं, जीरो से थ्री पाई बाई टू, जीरो से थ्री पाई, पाई बाई टू से सिक्स, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, इन सभी इंटरवल में ये जो पॉइंट पाई है वो तो लाई कर रहा, तो यानी इस केस से अपन को कुछ नहीं मिला, यहाँ पर सभी केस में पाई आ रहा है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है। और अपन जानते हैं कि जो साइन टी का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, तो साइन टी तो हर जगह पे क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तो इससे भी कुछ नहीं। अब अपन देखेंगे टेन टी कहाँ कहाँ कंटिन्यूस और कहाँ कहाँ नहीं है, तो आपको टेन टी का ग्राफ तो आता ही है, टेन टी का ग्राफ आता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। एक सेकंड थोड़ा सही नहीं बना, जैसे कि आपको टेन टी का ग्राफ आता है तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट ये वाली लाइन है वो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये पाई बाई टू की लाइन है, और ये वाली लाइन है वो थ्री पाई बाई टू की लाइन है, ये वाली लाइन है वो माइनस का पाई बाई टू की है,
और ये माइनस का 3π/2 की है। यहाँ से मैं बोल देता हूँ पाई बाई टू है, ये 3π/2 है, ये माइनस का पाई बाई टू है और ये माइनस का 3π/2 है। तो टेन अगर आप उसी प्रकार से बनता है आपको पता होगा कि पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू पे थ्री बाई टू पाई बाई टू पे इन पे क्या होता है, टेन डिफाइन नहीं होता, यहाँ पे कहीं बीच में पाई आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि पाई बाई टू पे थ्री पाई बाई टू पे माइनस पाई बाई टू पे और एक यहाँ से बनाएंगे तो ये भी इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का पाई आ जाएगा और पाई पे जीरो होता ही है। तो पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस थ्री पाई इन पे क्या होता है, टेन डिफाइन नहीं होता, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। तो जहाँ जहाँ जिस भी इंटरवेल में बीच में क्या आ रहा हो, पाई बाई टू आ रहा हो, थ्री पाई बाई टू आ रहा हो, माइनस का पाई बाई टू आ रहा हो, माइनस का थ्री पाई बाई टू आ रहा हो, इधर भी चलता है, तो वो इंटरवल में क्या नहीं होगा, इस फंक्शन का इस डिफरेंशियल का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसको जीरो से थ्री पाई बाई टू है तो जिस थ्री बाई टू में पाई बाई टू आ जाएगा और जब यहाँ से पाई बाई टू आ जाएगा तो उस केस में टेन टी कैसा नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, तो इस केस में सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। जीरो से थ्री पाई, अब जीरो से थ्री पाई में पाई बाई टू भी आ गया और थ्री पाई बाई टू भी आ गया, आगे चलेंगे तो फाइव पाई बाई टू भी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी टेन डिफाइन नहीं होता, तो ये भी गए काम से। अब ये बोलते हैं पाई बाई टू से सिक्स, अब देखो पाई बाई टू से सिक्स, अब अगर आप थ्री पाई बाई टू देखें, अगर थ्री पाई को आप ऊपर टेन माने तो टेन बाई टू कितना होता है फाइव, तो छः से छोटा, इस इंटरवल में क्या आ जाएगा थ्री पाई बाई टू आ जाएगा और थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, तो वहाँ पे भी इंटरवल डिफाइन नहीं है। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ए बचा कि पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। अब इस केस में देखो इस इंटरवल में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पी एक्स भी कंटिन्यूस है, क्यू एक्स भी कंटिन्यूस, यानी कि टेन टी भी कंटिन्यूस है इस केस में, साइन टी भी कंटिन्यूस है और साथ में एक्स जीरो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, यानी कि पाई भी इस इंटरवल में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरो से थ्री पाई बाई टू से कौन से इंटरवल, सॉरी पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, अब देखो पाई बाई टू से ओपन इंटरवल थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे टेन कैसा है कंटिन्यूस आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको दिक्कत तो थ्री पाई बाई टू और पाई बाई टू पे आ रही है, तो इस इंटरवल में कंटिन्यूस भी है, पाई यहाँ पे बीच में लाई भी कर रहा है, तो इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। डिटरमाइन द इन इंटरवल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टेंड टू एग्जिस्ट, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अपन ने पांच क्वेश्चन देख लिए, आई होप आपको पांचों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। बाकी अगर आपने 2018 19 20 का पेपर देखा है तो आपको आइडिया लग जाएंगे कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हमारे 2017 में किसी ने ये सात क्वेश्चन सोल्व कर लिए ओडी के, तो उसको आइडिया लग गया था कि 2018 19 20 में कैसा पेपर आएगा, वो इजिली क्वेश्चन सोल्व करके आया होगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको ध्यान ही रखना है कि गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती हो जाती है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने 2017 में एंट्रेंस दिया था, तो अरे ये वाला क्वेश्चन है वो मैं करके नहीं आया था, करके नहीं आया था, क्यों नहीं करके आया था, आप देखें कि इतनी खतरनाक मैंने इतनी छोटी सी मिस्टेक करी थी कि जो नहीं करनी चाहिए किसी को, बहुत ही ईजी सी मिस्टेक थी, मेरे को दिमाग में नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, ईजी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, जबकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का तो आपके 4 मार्क्स है ना वो फोकट के थे, यानी कि फ्री के 4 नंबर ले सकते थे। बड़े सिंपल क्वेश्चन देखो कैसे, कंसिडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस एक्स प्लस एक्स वाई डेस माइनस 9 वाई एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। इफ द सॉल्यूशन सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन वाई 1 पे 0 दे रखा है, वाई डेस 1 पे 2 दे रखा है, देन वाई 2 ईच। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये कैसी प्रॉब्लम है, ये कोसी ऑयलर प्रॉब्लम है, कोसी ऑयलर प्रॉब्लम है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, एक्स की जगह अपन क्या पुट करते हैं, एक पावर जेड पुट करते हैं, या जेड इक्वल टू अपन क्या पुट कर देते हैं, लॉग एक्स पुट कर देते हैं, तो अपना काम हो जाता है। एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड, जेड इक्वल टू लॉग एक्स, तो ये क्या बन जाता है, तो जो डी बाई डी एक्स अपन डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स यूज करते हैं वो इस केस में क्या बन जाएगा, डी इक्वल टू डी बाई डी जेड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी डी इंटू डी माइनस का 1 इंटू वाई माइनस का डी इंटू वाई और माइनस का 9 इंटू वाई इक्वल टू 0 बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का डी, सॉरी प्लस का डी दे रखा है यहाँ पे, ये प्लस का डी माइनस का 9 इंटू वाई इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, डी स्क्वायर माइनस का 9 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, यानी कि ए ई लिखेंगे तो वो क्या जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का 3 आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, केवल तो पार्ट है नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन यानी कि वाई सी जेड क्या आ जाएगा, सी 1 ई की पावर 3 जेड प्लस सी 2 ई की पावर माइनस का 3 जेड। अपन को क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड है या जेड इक्वल टू अपने क्या पुट करना है, लॉग ई वे एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, वाई एक्स मेरा क्या जाएगा, वाई एक्स आ जाएगा सी 1 एक्स क्यूब प्लस सी 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये वाला इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अपने वो क्या दे रखा है साथ में, वाई 1 पे 0 है और वाई डेस 1 पे 2 है, तो अपन वाई डेस एक्स भी निकाले थे पहले। जैसे वाई डेस एक्स निकालेंगे तो कितना देगा, 3 सी 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 सी 2 अपॉन एक्स की पावर 4। वाई 0 पे, वाई 1 पे 0 और वाई डेस 1 पे 2, यानी कि वाई 1 पे 0 है और वाई डेस 1 पे
टू है, वाई डैश वन पे क्या दे रखा है, टू दे रखा है। अब वाई वन पे जीरो, यानी वाई वन पुट करेंगे तो सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, सी वन प्लस सी टू जीरो। वाई डैश वन यहाँ पे वन पुट करेंगे तो थ्री सी वन माइनस का थ्री सी टू इक्वल टू टू आ गया, यानी कि सी वन माइनस का सी टू इक्वल टू टू बाई थ्री, और यहाँ पे सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टू सी वन इक्वल टू टू बाई थ्री। दिस इम्प्लाइज सी वन की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई थ्री, और यहाँ से सी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का वन बाई थ्री सी टू की वैल्यू, तो सी टू की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री, सी वन की वैल्यू वन बाई थ्री। तो यहाँ से सोल्व करने पर वाई एक्स कितना आ गया, वाई एक्स आ गया एक्स क्यूब बट्टे तीन माइनस का वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब, ये आ गया एक्स क्यूब बट्टे तीन माइनस का वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब। अपने को पूछा है वाई टू बताओ, यानी कि वाई एक्स की वैल्यू कितनी आई, वाई एक्स इक्वल टू आ गया अपना एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस का वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब माइनस का अपॉन थ्री एक्स क्यूब। अपने को निकालना है वाई टू, वाई टू निकालने का मतलब आठ बट्टे तीन माइनस का वन अपॉन आठ इंटू तीन ट्वेंटी फोर, एलसीएम कितना आ गया ट्वेंटी फोर, ये तीन का कितना सिक्सटी फोर माइनस का वन इक्वल टू सिक्सटी थ्री बाई ट्वेंटी फोर। अब देखो आपको 63 बाई 24 कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, यानी कि y2 की वैल्यू कितनी आ रही है 63 बाई 24। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 63 अपॉन 24 निकाले, मुझे आज भी याद है कि मैंने कैसे करा था, सेम ऐसे करा था जैसे अभी करा है, और 63 बाई 24। अब मैं देखा कि नीचे किसी में भी 24 नहीं है, किसी में भी 24 नहीं है, तो मैं सोचा यार इसका ऑप्शन तो डी हो सकता है, यहाँ पर टू मिसप्रिंट हो गया, गलती हो गई होगी, तो मैंने एक बार सोचा कि अपन डी ऑप्शन कर देते हैं। फिर मैं सोचा अपन ने कहीं ना कहीं गलती होगी, मैंने इसको दो बार चेक करा तो मेरी क्या होगी गलती, फिर से टाइम तो जा ही रहा था, क्वेश्चन भी सही नहीं रहा था, पर अगर मेरे दिमाग में नहीं आएगी इसको मैं थ्री से डिवाइड कर सकता हूँ तो क्या बन जाएगा 21 बाई 8 बन जाएगा, और इसे 21 बाई 8 कर देता हूँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जबकि मैं इसको चाके भी नहीं कर पाया था, मैं ऊपर देख रहा हूँ 63 इसमें दिख रहा है, बट नीचे 24 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन इस प्रकार से डिजाइन करे होते हैं कि आप गलती करो। ये तो अच्छी बात थी कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऐसा नहीं था, अगर मान लो 63 बाई 2 कुछ ऐसा होता तो मैं इसको कर देता तो 63 बाई 24 आ गया, और इसमें आपको क्या करना था 3 से डिवाइड करना था 21 बाई 8 आ जाता। तो ये ओइलर इक्वेशन का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था, इसमें आपको बस यही ध्यान रखना था कि एक्स इक्वल टू की पावर जेड पुट करते हैं और जेड इक्वल टू लॉग एक्स मान लेते हैं, और फिर इसको अपन सिंपली सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आई होगी आपको ओइलर प्रॉब्लम में, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं उनको आपको गलती करके गलत नहीं करना, आपको ध्यान रखना उनका। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो फिर से सिस्टम लेवल की प्रॉब्लम पे आ गया, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाकी सब क्वेश्चन से, तो वही सेम कहानी, द आइगन वैल्यूज एसोसिएटेड विद द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाई डबल डैश एक्स माइनस का टू वाई डैश एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई एक्स इक्वल टू जीरो, वाई जीरो पे जीरो दे रखा है, वाई वन पे जीरो दे रखा है, ये दो कंडीशन दे रखी है, और फिर अपने को पूछा है कि कौन सा इसका सोल्यूशन होगा, क्या होगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, वो सेम कहानी अपन तीन केस लेके चलेंगे, लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा लेस देन जीरो, जिस भी केस में सोल्यूशन होगा वही अपन देखो, अपन को क्या करना है कि लैम्डा की वो सारी वैल्यू याद करनी है, इसी क्वेश्चन के पास क्या थे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आते, तो पहले अपन इसकी एसोसिएटेड विद द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो अपन इसकी क्या लिख देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तो वो क्या बनेगी एम स्क्वायर माइनस का टू एम प्लस वन माइनस का लैम्डा इक्वल टू जीरो बन जाएगी। यहाँ से अपन एम की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी टू प्लस माइनस का बी स्क्वायर यानी कि फोर माइनस का फोर इंटू वन माइनस का लैम्डा और इसका रूट अपॉन टू करते हैं, तो यानी कि एम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वन प्लस माइनस का रूट लैम्डा, क्योंकि फोर कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्या आएगा वन माइनस का वन प्लस लैम्डा, ये कैंसिल हो जाएगा वन प्लस रूट लैम्डा आ गई एम की वैल्यू। अब देखो अपन केस फर्स्ट लेके चलते हैं, केस फर्स्ट सपोज दैट लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी, पर एम कैसी है क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी, दूसरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी वन आ जाएगी, जब एम की वैल्यू वन वन आ जाती है इस केस में अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं, इसके से अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई एक्स इक्वल टू लिखते हैं सी वन प्लस एक्स इंटू सी टू और ई की पावर एम की वैल्यू क्या वन, तो ई की पावर एक्स लिख देते हैं। अब वाई जीरो पे जीरो, जीरो पुट करो एक्स कित गए तो जीरो पुट किया तो वन हो जाएगा, ये जीरो देगा और जीरो टू जीरो यानी कि यहाँ से क्या देगा सी वन जीरो आ जाएगा। वाई वन पे जीरो पुट करेंगे सी वन तो जीरो बन गया, और वन पुट करेंगे तो सी टू जीरो आ जाएगा, जब सी वन भी जीरो आ गया सी टू भी जीरो तो इक्वेशन में क्या बन जाएगा वाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जो कि कैसा है ट्रिवियल सॉल्यूशन, पर अपने को तो ऐसी लैम्डा की वैल्यू चाहिए जिसके अपने पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाए, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू जीरो वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, तो केस फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं हुआ। अब अपन बात करते हैं केस सेकंड की, एम की वैल्यू अपने पास ध्यान रखना वन प्लस माइनस का रूट लैम्डा है, अपन बात करते हैं केस सेकंड, केस सेकंड मैंने मान लिया कि लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है, अब लैम्डा ग्रेटर देन तो मैं बोल दिया कि लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, जैसे मैं लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा वन प्लस माइनस का अल्फा बन जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी वन प्लस माइनस अल्फा। इस केस में क्या करेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं, तो वाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा सी वन ई की पावर वन प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी टू ई की पावर वन माइनस अल्फा इंटू एक्स। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि e की पावर x को बाहर कॉमन ले लिया मैंने, सी वन ई की पावर अल्फा एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स,
मेरे को दे रखा है वाई जीरो पे, तो क्या दे रखा है जीरो और वाई वन पे भी जीरो, वाई जीरो पे जीरो पुट करो तो एक्स के लिए जीरो पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो पुट आ गया, और वाई वन पे भी क्या है जीरो, वाई वन पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा सी वन ई की पावर अल्फा प्लस सी टू ई की पावर माइनस अल्फा, और बाहर ई तो है ही इक्वल टू क्या बनेगा जीरो बनेगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा सी वन इक्वल टू माइनस का सी टू, तो यहाँ पे सी वन पुट कर दूंगा तो सी वन ई तो कॉमन आ जाएगा, ई की पावर अल्फा आ जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो सी वन ई ई की पावर टू अल्फा माइनस का वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब मेरे को पता है ई कभी जीरो नहीं होता और ई की पावर टू अल्फा माइनस वन भी कभी जीरो नहीं बनेगा, तब ये टर्म भी नॉन जीरो है, ये टर्म भी नॉन जीरो, तो बची क्या सी वन, इसका मतलब क्या आ जाएगा सी वन जीरो, और जैसे सी वन जीरो तो सी टू भी जीरो, तो यानी कि जब अपन लैम्डा ग्रेटर देन जीरो लेके चल रहे हैं इस केस में अपने को सी वन भी जीरो मिल रहा है और सी टू भी जीरो मिल रहा है, तो क्या मिल गया अपने पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, जबकि अपन को क्या सॉल्यूशन चाहिए नॉन ट्रिवियल चाहिए। अब एक केस ही बचता है उसको सोल्व कर लेते हैं, वो केस क्या बचा है केस थर्ड। केस थर्ड अपने मान लिया कि लैम्डा कैसा है लेस देन जीरो और लैम्डा इक्वल टू मैंने मान लिया माइनस का अल्फा स्क्वायर, लेस देन जीरो रहेगा हमेशा लैम्डा, और अपने पास एन की वैल्यू कितनी है वन प्लस माइनस का रूट लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या पुट कर दो माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा वन प्लस माइनस का रूट माइनस का अल्फा स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा वन प्लस माइनस का आइटा अल्फा, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन प्लस माइनस आइटा अल्फा। इस केस में कैसे सॉल्व करते हैं अपन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई एक्स कितना बन जाएगा अपना ई की पावर एक्स सी वन कोस अल्फा एक्स प्लस सी टू साइन अल्फा एक्स, ठीक है सी वन कोस अल्फा एक्स प्लस सी टू साइन अल्फा एक्स आ गया। अब पहला वाई जीरो पे जीरो, जीरो पुट कर देंगे तो ये कोस जीरो तो वन बन जाता है, साइन जीरो जीरो बन जाता है, तो यानी यहाँ से क्या मिल गया सी वन इक्वल टू जीरो मिल गया। अब वाई एक्स इक्वल टू क्या बचा ई की पावर एक्स सी टू साइन अल्फा एक्स। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है वाई वन पे जीरो, वाई वन पे जीरो यानी एक्स इक्वल टू वन पुट करो जीरो कर दो तो जीरो इक्वल टू ई सी टू साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। अब देखो ई तो नॉन जीरो होता है तो सी टू साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, अब या तो सी टू जीरो या साइन अल्फा जीरो, अगर सी टू जीरो ले लेंगे तो अपने पास वही वापस से क्या मिल जाएगा अपने को ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो सी टू तो जीरो लेना नहीं है, जब सी टू जीरो नहीं लेंगे तो जीरो क्या बन जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। अपन को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो तभी होता है जब थीटा इक्वल टू क्या आता है एन पाई आता है और एन बिलोंग्स टू जेड होता है। अब यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू जीरो यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ गया एन पाई आ गया, और जब अल्फा इक्वल टू एन पाई आ गया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है अपनी माइनस अल्फा स्क्वायर, तो लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू जो एन माइनस का एन स्क्वायर पाई स्क्वायर है इस केस में इसके पास कैसा होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इस केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो बोलता था आइगन वैल्यू, और इसी को अपन क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू एसोसिएटेड विद बाउंड्री प्रॉब्लम क्या जाएगी लैम्डा इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एन की वैल्यू वन टू थ्री चलती जाएगी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको स्ट्रम लेवल का क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि स्ट्रम लेवल में आपको क्या करना है, लैम्डा की तीन केस लेने लैम्डा इक्वल टू जीरो लेना है, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो लेना है, लैम्डा लेस देन जीरो लेना है, और उसके बाद में अपन को सॉल्व करके देखना है कि किस केस में सॉल्यूशन होता है। अब आप देखेंगे कि जो ये वाला केस था इस केस में अपने को लैम्डा लेस देन जीरो पे सॉल्यूशन मिला था, जबकि इसके ऊपर वाले केस में अपन को लैम्डा ग्रेटर देन जीरो पे मिला था, और यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन है वो कैसी है डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन है, दोनों के दोनों कैसे पे हैं वाई ए इक्वल टू जीरो है और वाई बी इक्वल टू जीरो है। देखो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन में भी अपने को किस पे सॉल्यूशन मिल रहा है लैम्डा लेस देन जीरो पे मिल रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लैम्डा ग्रेटर देन जीरो पे मिले लैम्डा लेस देन जीरो पे अपन को मिल सकता है, तो इस केस में मिला है लैम्डा इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एन इक्वल टू वन टू थ्री। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया हो कि स्ट्रम लेवली को कैसे सोल्व करते हैं, एग्जिस्टेंस वाले कैसे लगाते हैं, किस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा किस में नहीं करेगा, बड़े सिंपल क्वेश्चन भी देख लिए, दो तीन क्वेश्चन थोड़े स्ट्रम लेवल थोड़े अलग टाइप के थे उनको भी देखा। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि ओडी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो अपन देखो 2017 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, मैं 2015 और 2016 का पेपर भी सोल्व कर दूंगा ताकि आपके ओडी के तो 5-6 साल के क्वेश्चन हो जाएं, आप खुद भी ट्राई करें, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें वरना आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स, थैंक यू।